सब्सक्राइब कीजिए बुड बग जैट के यूट्यूब चैनल को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपने बुड बग जैट के यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है जहीर। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा बेडरूम के अंदर अगर आपको जैसे डबल बेड बनाना, हमारा तो दराज वाला बेड होता है उसमें किस तरीके से बनाया जाता है, और कुशन जो होता है हमारे पीछे जो कुल्टी जिसको लगाते हैं तो वो किस तरीके से डिज़ाइन होने चाहिए, और अपने जैसे हम पीछे एक अपना MDF में जो जाली बना देते हैं जो हमारी CNC जाली कटिंग होती है, तो उसका भी डिज़ाइन आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो आपको जैसे ड्रेसिंग बनाना है अपना बेड के बराबर में, जो हमारी साइड टेबल होती है उसी के ऊपर ड्रेसिंग बनाना है, तो किस हिसाब से डिज़ाइन होने चाहिए आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी वीडियो देखें लास्ट तक, आपको पता चलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिसमें कि आने वाली वीडियो का नोटिस आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, वीडियो प्रॉपर देखना तभी जानकारी मिलेगी आपको, मैं साइज़ की जो साइज़ है हमारे किस तरीके से होने चाहिए और इसमें डिज़ाइन किस हिसाब से होना चाहिए, तो वीडियो में चलते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं अपना जैसे बेड का डिज़ाइन आपको बनाना, तो पीछे अपनी अगर आपको जैसे पैलिंग लेनी है किस प्रकार होनी चाहिए डिज़ाइन के हिसाब से, आप देख सकते हैं इसमें जैसे हमने ये डिज़ाइन बनाया। आपको जो डिज़ाइन बनाना है इसकी जो आपको पट्टियाँ देनी है ये अपने 2 इंची चौड़ी होती हैं, और इसमें जो है आपको ये बनाना अपना व्हाइट कलर का जो देख रहे हैं अपना ये पैनल लगाना, इस प्रकार लगा सकते हैं। ऊपर जो हमारे ऊपर छत तक होती है जैसे आपको बैक जो बनानी है, तो ये जैसे आप पीछे जो डिज़ाइन देख रहे हैं ये CNC का अपना MDF में बनाया जाता है। ये अपना छत तक अगर आपको जैसे बनाना है बेड की जो बैक होती है, व्हाइट वाला जो आप पैनल देख रहे हैं ये अपना 18 इंची इस तरीके से ले सकते हैं, और बीच में जैसे आप ये देख रहे हैं दोनों साइड में 18-18 इंची का, और बीच में जैसे MDF की जो जाली है अपनी 3 फुट की है, ये वाला जो डिज़ाइन है अपना 3 फुट का इसी प्रकार ले सकते हैं। 18 इंची आप पैनल बना सकते हैं, और इसमें जैसे आपको साइड में जैसे आपका 9 फुट जैसे आपका ये अपना जो डिज़ाइन देख रहे हैं इस प्रकार बनाना। आप जो मिरर स्क्रू होते हैं उनको लगा के आप इस कैप वाले जो स्क्रू आते हैं तो इसको लगा के आप इसको रोक सकते हैं। इसके पीछे एक्रेलिक सीट लगी हुई है और पीछे लाइट है, आप इस प्रकार बना सकते हैं। ये अपना MDF में बनाया जाता है। जो हमारी बैक होती है बेड की वो अच्छी लगनी चाहिए, इस प्रकार ले सकते हैं। इस साइड में आप देख रहे हैं डिज़ाइन, इसमें अपना जैसे ये अपना कलर जो लगाया हमने माइका का, तो इसमें आप देख सकते हैं नीचे अपना ये लैंप अपना जैसे आपको लेना है ये लैंप है, और इसके नीचे जो हमारा ये डिज़ाइन बनाया गया तो ये 3 इंची या 2.5 इंची इस तरीके से अपना डिज़ाइन ले सकते हैं। जो हमारी मोटाई रखी जाती है जो बॉर्डर बनाया जाता है, तो अपना देख सकते हैं ये लाइट आप देख सकते हैं। तो ऑन ऑफ करने के लिए आपका साइड में ही होता है जो साइड टेबल के ऊपर आपका, अगर आपको जैसे बैक बनानी है आपकी बेड की जो लंबी बनाई जाती है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ड्रेसिंग का डिज़ाइन आप ले सकते हैं। साइड में बॉर्डर आपको बनाना है तो 2.5-3 इंची का बनाया जाता है, 2.5-3 इंची जो हमारा बॉर्डर बनाया जाता है उसके अंदर शीशा लगाया जाता है, बीच में हैंडल दे सकते हैं, इसी प्रकार ले सकते हैं जैसे कि आपको बनाना। ऊपर जो अपनी कोब निकाल के बनाई जाती है 4-5 इंची या 6 इंची इस तरीके से बनाई जाती है, जो हमारी लाइट इसमें जो लगती है देखने में अच्छी लगनी चाहिए, तो हम इसीलिए इसको इतना बाहर करके बनाते हैं। और साइड में आप देख सकते हैं नीचे अपना स्विच बोर्ड आप इसी हिसाब से ले सकते हैं जो हमारा ऑन ऑफ करने का, ऊपर की जो लाइट इसमें लगा रखी है ड्रेसिंग में इस प्रकार अपना ऑन ऑफ का नीचे अपना स्विच ले सकते हैं। जो इसमें जो वायरिंग करी जाती है किस तरीके से करी जाती है बोर्ड के अंदर कटिंग करके, तो इसका अगर आपको जैसे इसका वीडियो देखना किस तरीके से हम वायरिंग निकालते हैं, तो उसका वीडियो मैं अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये देख सकते हैं चूड़ियों के लिए अगर आपको जैसे रोड लगानी जो बेंगल बॉक्स होता है तो इस तरीके से बना सकते हैं। अपने जो कब्जे लेने आप देख सकते हैं 3 कब्जे लगा सकते हैं, अगर इतना बड़ा डोर्स है आपका तो इनका जो डोर्स हो जाता है वो वजनदार होता है भारी हो जाता है, तो इसमें इसी हिसाब से 3 कब्जे लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं अपने जो दराज आपको बनानी है साइड अपना जैसे हमारी हाइट होती है 8 इंची, तो जो हमारा ड्रेसिंग का क्वार्टर बनाया जाता है जिसकी हाइट रखी जाती है 18 इंची, तो उसमें अपने 8-8 इंची की दराज ले सकते हैं, नीचे 3 इंची की स्टार्टिंग बना सकते हैं। आप देख सकते हैं टकरों पर टेप है, अगर आपको टेप लगानी है माइका लगानी है तो आप माइका भी लगा सकते हैं। फ्रंट का जो माइका होता है उसी कलर का आपको टेप या माइका सेम लगानी है टक्कर पर, तभी अच्छा लगता है डिज़ाइन देखने में। अपने साइड टेबल देख सकते हैं जैसे कि आपको पीछे से आपने जो गहराई बनानी है इसकी, तो कम से कम इसकी गहराई होनी चाहिए 15 या 16 इंची इस तरीके से बना सकते हैं, और 8 इंची हाइट रखी जाती है दराज की। जैसे कि आपकी सिंगल दराज लेनी है आपको जैसे साइड में जिस टेलीस्कोप चैनल है, तो आपको जो चैनल लगानी है 20 सेंटर में लगानी है, इस प्रकार लगा सकते हैं। और हैंडल देख रहे हैं अपना 20 सेंटर में अच्छा लगता है हैंडल, इसी हिसाब से लगा सकते हैं। जैसे कि हमारा दराज में हैंडल लगते हैं, तो आप पीछे का कुशन जो बनाना आप कुशन जो हमारा क्वालिटी का डिज़ाइन होता है, तो इस तरीके से ले सकते हैं। इसमें जैसे 6-6 इंची के पीस बनाकर इस तरीके से जैसे बी टाइप में अगर आपको जैसे ये डिज़ाइन बनाना, तो इसमें जैसे हमारे कुशन की जो मोटाई होनी चाहिए तो कम से कम 2.5-3 इंची होनी चाहिए पीछे से बैक में से। इसमें अपने जैसे हम कपड़ा लगाते हैं तो गोलाई अच्छी आ जाती है और देखने में भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, इस प्रकार बना सकते हैं। अपना देख सकते हैं जैसे पीछे की बैक 6 फुट की अपनी, जो हमने कुशन लगाया वो 6 फुट इसकी जो हमारी लंबाई है, और हाइट इसकी 2 फुट रखनी है आपको जहाँ से आपका टॉप होता है। अब इसकी जो हाइट बनानी है आपको बेड की, तो कम से कम 15 इंची होनी चाहिए बेड की हाइट, आपने 15 इंची रख ली, और ये कोप जो बनानी है आपको 2.5-3 इंची मोटी बनानी है जिसमें अच्छी लगे। और अगर आपको जैसे साइड में दराज लेनी है, तो इसमें दराज हमारी जो बनाई जाती है बेड में,
तो इस दराज की जो हाइट होती है 10 से 12 इंची होती है, इस प्रकार बना सकते हैं। इसमें अपना कैंसिल हैंडल लगा सकते हैं, जो चप्पू हैंडल बोला जाता है, तो उसको लगा सकते हैं और अपने दराज इस प्रकार ले सकते हैं। नीचे अपने इसमें जो बील लगाए जाते हैं, बील इसलिए लगाए जाते हैं जो वजन रहता है दराज में, और साइड में चैनल भी लगाने ज़रूरी है। इसी प्रकार बना सकते हैं, आप देख सकते हैं इसमें अपना कैंसिल हैंडल इस प्रकार लगा सकते हैं बीच सेंटर में, और अपनी कोब इस तरीके से ले सकते हैं। तो हमारे साइड वाली जो ऊपर की जो होती है, आप देख सकते हैं गोलाई देनी है आपको, जैसे कि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, तो आपको गोलाई देना ज़रूरी है। अगर आपके घर में बड़े भी हैं तो इस हिसाब से गोलाई देनी है कि ये हमारा जैसे उठते टाइम या बैठते टाइम बैठ के जो कोने बन जाते हैं, कोने जो होते हैं अगर आप लैमिनेट लगाते हो तो उसके धार बन जाते हैं, कोने बहुत नोकले बन जाते हैं, तो इसमें आपको गोलाई ही देना ठीक है, उसमें आपके लगेगा नहीं और बहुत सॉफ्ट रहेगा। इस प्रकार बना सकते हैं। जैसे ये गोलाई आप देख रहे हैं, माइका लगी हुई है। आपको जो जैसा साइड टेबल लेनी है, आपकी जो साइड टेबल होती है कम से कम 18 इंच चौड़ी होती है, आप देख सकते हैं इसी प्रकार बनानी है आपको। जैसे साइड में दीवार है तो इसमें हमारा इस साइड बेड में जो हमारा बॉक्स है, बेड का जो बॉक्स है ये देख सकते हैं साइड में, अगर आपको जैसे ये अपना बॉर्डर घुमाना होता है तो इस प्रकार घुमाना होता है, तो अपना देखने में अच्छा लगना चाहिए। चारों साइड से हमारा इसी प्रकार होना चाहिए डिज़ाइन जो होता है हमारा। बोर्ड आपको दोनों साइड ही लगाने हैं बेड में, देखने में अच्छा लगना चाहिए। लाइट के हिसाब से जहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट है लाइट की, इस हिसाब से आप लगा सकते हैं। इसी में ही पंखे का भी लगा सकते हैं, अपना जो हमारा बोर्ड होता है पंखे का, देख रहे हैं पंखा चल रहा है इसमें, तो इसी में ही अपना ऑन ऑफ का पंखे का भी स्विच इसमें लगाया जाता है, जो हमारा साइड में बैठ के स्विच बोर्ड लगाए जाते हैं, तो इसी प्रकार बना सकते हैं। आप देख सकते हैं लाइट का भी अपना ऑन ऑफ का, जैसे कि हमारे को लाइट की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो इसी में ही आपका लगाया जाता है। तो आपको जैसे बेड बनाना है तो इसमें मैं दिखाता हूँ, इसके जो लेंथ रखनी है 6-6 फुट रखनी है, लेंथ कम से कम 6-6 फुट ही होनी चाहिए अपने बेड की, और चौड़ाई जैसे आपको लेनी है तो 6 फुट है। आप ये देख रहे हैं जैसे ढक्कन, हमने जो इस साइड ढक्कन इसलिए बनाया है, इधर हमारी दीवार है तो दराज खुल नहीं सकती, क्योंकि 3 फुट 2.5 फुट या 3 फुट गहरी हो जाती है दराज, तो उसको खोलने में जगह नहीं है। इसी हिसाब से हमने इसमें कब्जे लगा कर ऐसे अपने ढक्कन लगा रखे हैं इसमें, जो हमारे डोर्स होते हैं। इस प्रकार आप बना सकते हैं, जैसे कि आपके बेड में जगह नहीं है एक साइड, अगर आपकी जगह कम पड़ जाती है तो आप उधर साइड ढक्कन बना सकते हैं, जिस साइड आपकी थोड़ी जगह ज़्यादा है तो उसमें दराज लगा सकते हैं। तो ये अपना पूरा डिज़ाइन देख सकते हैं बेड का, किस तरीके से डिज़ाइन है इसमें जो पैनल का, और इसमें जैसे कि आपको इसका प्राइस जानना, जो हमारा बेडरूम के अंदर बेड बनाते हैं, वार्डरूम बनाते हैं, टीवी पैनल बनाते हैं, कितना प्राइस आ जाता है, तो नेक्स्ट वीडियो आने वाला उसमें मैं पूरी जानकारी दूंगा। जैसे कि आप एक बेडरूम के अंदर पूरा इंटीरियर वर्क कराते हैं तो उसमें खर्चा कितना आ जाता है हमारा, एक वार्डरूम ड्रेसिंग का और अपना टीवी पैनल का और बेड का भी पूरे डिज़ाइन में कितना एस्टिमेट आ जाता है, तो उसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें मैं आपको पूरी जानकारी दे दूँगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये पीछे का जैसे हमारे जाली का है, सारा कुछ इंक्लूड होता है इसमें मटेरियल के साथ, तो अपना बजट कितना आ जाना चाहिए, एक बेडरूम की एस्टिमेट अगर आप कुछ जैसे घर बना रहे हो तो उसमें कितना आप एक बेडरूम में इंटीरियर वर्क का सोच के चलते हैं, तो इस तरीके से जैसे कि आप ये लैंप देख रहे हैं, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अगर आपको जैसे ये ऑनलाइन खरीदना तो इसे कमेंट में मुझे बता सकते हैं, अगर इस तरीके के कोई लैंप खरीदते हैं आप तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ। तो हमारा जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, प्राइस की भी और अपना एक बेडरूम के अंदर कितना प्राइस आ जाता है। अगर आप इसी तरीके का जैसे कि ये बेड की पूरी एस्टिमेट जानना चाहते हैं कितना इसका बजट आ गया, तो ये जो बेड बनेगा आपका कम से कम 1.5 लाख का बनेगा। जैसे कि आप डिज़ाइन पूरा देख रहे हैं, इसी हिसाब से जो ड्रेसिंग सब कुछ इंक्लूड है इसमें, इस प्रकार ले सकते। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा लगा डिसलाइक दे सकते हैं। अच्छा वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सपोर्ट करें और अपने साथ में ही सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें, जिसमें कि आने वाली जो हमारे नए वीडियो हों उनका अपडेट आपको मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, तो आपको अच्छे वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। अच्छे वीडियो जो हमारे अच्छे काम हैं उनके वीडियो दिखाते रहेंगे, किस तरीके से नए नए डिज़ाइन के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको जैसे डिज़ाइन देखने तो इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हैं, हमारे जो इंस्टाग्राम पेज बुटबॉय जैकेट के नाम से, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से इंस्टाग्राम पेज है, वहां जाकर अपने डिजाइन पसंद कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, आप अपना रखिए ख्याल, थैंक यू फ्रेंड।